अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, होप सो यू आर फाइन। सो फाइव क्लास, आज हमारे पास है डे टू का काम, हम लोग देखते हैं। डे टू में हमारे पास बेटा डेटिंग है, आज भी डिकेइंग ऑफ थिंग्स से इवेपोरेशन है, मतलब हम लोगों ने आज अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना है। तो बेटा डिकेइंग ऑफ थिंग मतलब चीज़ों का ब्रेक डाउन होना, टूटना, डिके होता है टूटना, ख़त्म होना, ऐसा ऐसा। तो जैसे हम और डिके प्रोसेस होता है बेटा, वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। जो केमिकल चेंज होगा, जैसे किसी मैंने आपको पीछे ऊपर भी बताया, खाने जैसे हम खाना बनाते हैं तो वो खाना क्या होता है, डिके होकर एक नई चीज़ बन जाती है, वो केमिकल चेंज होता है। अब इसमें केमिकल चेंज में डिकेइंग थिंग्स में हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं, जैसे हमारे पास मैटर चेंज होती है ना, मतलब मादा चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह के हमारे पास स्टेट्स चेंज होती हैं। तो आज हम न्यू प्रोसेसेस उसके बनेंगे। कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे पास इसके बेटा, जैसे मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, वेपोरेशन है। और मेल्टिंग क्या होता है बेटा, पिघलना, किसी चीज़ का पिघलना। जैसे मैं कह दूँ बर्फ़ है, तो मैंने बर्फ़ को फ्रीज से निकाल कर बाहर रख दिया, तो ऐसे ऐसा पिघलेगी तो वो मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगी, मतलब पहले वो सॉलिड में थी फिर वो लिक्विड में हो जाएगी, क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग कैसे होगा, जैसे मैंने किसी चीज़ को बॉयल, पानी था, लिक्विड था, तो मैंने उसको बॉयल करने के रख दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पानी आप देखेंगे, पानी जो बीकर में आहिस्ता आहिस्ता जो बर्तन होगा उसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, वो क्या होता है, वो पानी जो होता है लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है, इवेपोरेट हो जाता है वो लिक्विड, ठीक है। तो जब हम बॉइलिंग, और वैसे भी जब मैं तो मैंने क्या किया, फ्रिज से आइस को निकाल दिया, आइस को निकाल दिया, वो पिघल गई, पिघलने के बाद मैंने उसको चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया, तो जब बेटा वो 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, ये बॉयलिंग कहलाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेटा पानी का बुखार की शक्ल में चेंज हो जाना, मतलब गैस बन जाना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, वो इवेपोरेशन कहलाता है, ठीक है बेटा। आपने यहाँ से डिकेइंग ऑफ थिंग्स से लेकर बेटा ये लास्ट रीडिंग को अच्छे से आपने इसको रीड आउट करना है। अल्लाह हाफिज़।